31 यानी 31 दिसंबर की दोपहर कालेवाड़ी से अगवा किए गए वकील की हत्या कर उसकी लाश को महाराष्ट्र तेलंगाना बॉर्डर पर जलाने की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया था। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की क्राइम ब्रांच के एंटी गुंडा स्क्वाड ने इस वारदात की गुत्थी सुलझाने के साथ इस मामले में 3 आरोपियों को नांदेड़ के देंगलूर से गिरफ्तार किया है। अपहरण और हत्या की यह वारदात अनैतिक संबंध के शक में हुआ ऐसा सामने आया है। गिरफ्तार आरोपियों में राजेश्वर गणपत राव जाधव, बालाजी मारुति, सतीश मानिक राव इंगले का समावेश है। इस वारदात का शिकार बने वकील का नाम शिवशंकर दत्तात्रेय शिंदे है। उनकी पत्नी ने इस मामले में वाकड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एंटी गुंडा स्क्वाड के सहायक पुलिस निरीक्षक हरीश माने से मिली जानकारी के मुताबिक एडवोकेट शिंदे का कालेवाड़ी के विजयनगर में ऑफिस है और वे 31 दिसंबर की दोपहर ऑफिस से लापता हो गए थे। तलाश करने के बाद भी जब वो नहीं मिले तो उनके जीजा ने रविवार सुबह वाकड़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद शिंदे की पत्नी की तहरीर पर राजेश्वर जाधव के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। इसके अनुसार पुलिस ने आरोपी के मोबाइल लोकेशन और मौके पर मिले एक वाहन से आरोपी को ट्रैक करना शुरू किया। इस बीच पुलिस को महाराष्ट्र तेलंगाना सीमा के पास आंशिक रूप से जला हुआ शव मिलने की सूचना मिली, लिहाजा पुलिस उस दिशा में रवाना हो गई और शव की शिनाख्त की गई। इसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से तीनों आरोपियों को नांदेड़ के देंगलुर से हिरासत में लिया गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि शिंदे की हत्या एक आरोपी की पत्नी के साथ अनैतिक संबंध होने के संदेह में की गई है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया तो उन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सारस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।